इसमें हम आपको बता रहे थे कि दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद जी ने लिखी है, ये लेख प्रेमचंद जी का लिखा हुआ है। और इसमें विशेष रूप से हमने आपको इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय के विषय में आपको हमने बताया। और इसी बीच हमने आपको जीवन परिचय की पूर्णता के विषय में आपसे बातें की। इसमें प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं आदि ये सभी हमने आपको बताया। और इसमें दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में भी हमने आपको सार रूप में बताया। इसका पूरा सारांश जो है ये भी हमने आपको बताया, इससे भी आपको हमने अवगत कराया। तो इसमें कुछ आगे ये आपका सारांश हो चुका है। अब हमें इसमें कुछ शब्दार्थ हैं उनके विषय में भी देखना है। शब्दार्थ बहुतेरे की किताब में शब्दार्थ लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन हमें उनके विषय में भी देखना है। शब्दार्थ भी हमें पूरे करने हैं, शब्दों को अच्छी तरह से पूरा करें। और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। इसमें सबसे होता है पहले निरा, जिसमें नहीं लिखा हुआ है वह आराम से लिख लें, निरापद सुरक्षित। उसके बाद सहिष्णुता, सहिष्णुता होता है कि सहनशीलता। क्रीड़ा होता है विशाल उदासी। उदासी पराकाष्ठा। प्रकाष्ठा अंतिम सीमा आगे। और आगे करते हैं गण्य, गणनीय के बाद में गणनीय अर्थात सम्मानित।
उसके बाद रनने के बाद में हम पछाई, पछाई पालतू पशुओं की एक नस्ल, पालतू पशुओं की एक नस्ल विग्रह है। विग्रह अलगाव, फैलाना या विस्तार। फैलाना, विस्तार। पगहिया, पगहिया पशु बांधने की रस्सी। पशु बांधने की रस्सी। ग्राम फुंदे राज रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। फुंदेदार रस्सी। फुंदेदार रस्सी जो इसमें अब हम इधर देखते हैं, फुंदेदार फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। इसमें प्रतिवार विरोध विरोध तित्कार
टिटकार मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। टिक का शब्द मसला इसमें हित कर और रंगेदना रंगेदना खदेड़ना मल युद्ध कुश्ती मल युद्ध कुश्ती साबिका वास्ता सरोकार साबिता वास्ता सरोकार कांजी हाउस कांजी हाउस मवेशी खाना वह बड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या लावारिस रेवण रेवण कहते हैं पशुओं का झुंड पशुओं का झुंड उन्मत्त उन्नमत्त मत वाला थान पशुओं के बांधे जाने की जगह छा
उत्साह उत्साह हर्ष हर्ष खुशी के काम की धूम खुशी के काम की धूम। तो ये हमारे शब्दार्थ हुए। इसमें और अब आपको ये अब हमें देखना है कि प्रश्नोत्तर जो हैं कितने प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। अब इसमें विशेष रूप से हम सबसे पहले हमने आपको बताया निरापद सुरक्षित सहिष्णुता सहनशीलता गोई जोड़ी कुलीन क्रीड़ा करना विषाद उदासी प्राकाष्ठा अंतिम सीमा गण्य गण्य अर्थात सम्मानित पछाई पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है विग्रह अलगाव फैलाना या विस्तार पगहिया पशु बांधने की रस्सी ग्राम फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है बैल आदि के गले में जो पहनाते हैं वह और प्रतिवाद विरोध करना टिककार मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द मशल हितकर रगेदना खदेड़ना मल्लयुद्ध कुश्ती साविका वास्ता सरोकार कांजी हाउस मवेशी खाना वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या लावारिस चौपाए बंद किए जाते हैं और कुछ दंड देकर छोड़े जाते हैं रेवड़ पशुओं का झुंड और उन्मत्त मतवाला थान पशुओं के बांधे जाने की जगह उछाह उत्साह हर्ष या खुशी के काम की धूम इनमें से कोई भी हो सकता है उत्साह हो सकता है हर्ष हो सकता है खुशी के काम की धूम हो सकती है कोई भी अर्थ लिया जा सकता है और अन्य इस प्रकार से यहाँ पर आपके शब्दार्थ हुए। ये शब्दार्थ अब हमें यह देखना है कि इसके आगे प्रश्नोत्तर आज हम आपको इसके विषय में थोड़ा आपको हमने क्या क्या बताया कि इसमें प्रेमचंद जी का जीवन परिचय हो गया जिनमें प्रमुख रचनाएं जीवन परिचय प्रमुख रचनाएं साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली ये हुआ। इसी बीच प्रस्तुत जो ये हमारे दो बैलों की कथा है ये जो दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी ने लिखी है इसमें दो बैलों के माध्यम से जो प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं वह क्या कहना चाहते हैं इसका सारांश आपको विशेष रूप से इस सारांश से अवगत कराया गया और पूरा सारांश आपके सामने प्रस्तुत हुआ और इसके बाद यह सार रूप में ये आपको बताया और अन्य फिर इसमें कौन कौन से कठिन शब्दों का लगभग प्रयोग हुआ है उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इस तरह से
उन शब्दों को आपके सामने रखा गया। इसमें ये सारे के सारे जो शब्दार्थ हैं इन्हें आप अच्छी तरह से दोहराएंगे और दोहरा करके इन्हें आप कार्य भी पूरा करेंगे। ऐसा नहीं, जितना हमने बताया है ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय का जो कार्य हमने दिया है यह अच्छी तरह से पूरा हो जाए और आगे इसमें भाषा शैली आदि जो भी हैं वह और ये शब्दार्थ अच्छी तरह से ये पूर्ण हो जाना चाहिए। इसके बाद हम फिर आगे आपको बाद में बताएंगे।